to all my beautiful people. कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज के इस रीडिंग के अंदर. आई नो माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट. अपने जीवन को ना संवार रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस रीडिंग को. मैं आप लोगों के लिए रोज़ रात को प्रेयर करके सोती हूँ कि ट्रिपल वन से जुड़ा हुआ हर एक इंसान अपने जीवन में ग्रो करे, ग्रोथ करे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर चीज़ से कोई ना कोई लेसन ले और उसको अपने जीवन में कभी भी रिपीट ना करे. सो आई होप सो पॉजिटिवली मैं ये उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर सुनते हैं. तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यू मून. समहाउ आप लोगों ने अच्छे से वैसे तो देख ही लिया होगा, न्यू मून का टॉपिक है आज. और न्यू मून आप लोगों को पता ही है भाई, अमावस्या आ रही है 6 तारीख को, 6 जून को. और उससे भी बड़ी बात ये कि इस अमावस्या को ना भाई 2024 में आने वाली हर पूर्णमासी यानी कि फुल मून और हर अमावस्या यानी कि न्यू मून हो गए, सारे पोर्टल्स हो गए, चाहे वो 1-1 हो, 2-2 हो, चाहे 1-1, 2-12 पोर्टल हो, सारे पोर्टल्स की ना एक अलग ही खासियत है. हर न्यू मून फुल मून की एक अलग खासियत है. इनफैक्ट आप लोग 2024 में आने वाले हर फेस्टिवल को देख लो, उसकी एक अलग एनर्जी रहेगी. क्यों? क्योंकि ये साल ही मिरेकुलस है, ये साल है जस्टिस का ईयर. तो इस साल आप जितना अपनी लाइफ में अपनी झोली में भर सकते हो ना उतना भर लो, मैं तो आप लोगों को ये कहूँगी. लेकिन क्या करें ना, हम हमारे आलस के पीछे, क्या होगा, क्या बकवास है, कुछ ना होता है इन सब चीज़ों की वजह से. और अपने जो डिसबिलीव्स है ना, जो हमारे जो बहुत बिलीव सिस्टम हमारा ऐसा पैटर्न बन गया, उसकी वजह से हम क्या करते हैं ना गाइस, हम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अपनी खुशी ना ढूंढ के छोटी छोटी चीज़ों को करके एकदम यू नो सब कुछ कर आना पसंद नहीं करते. हम फैंसी चीज़ों की तरफ बहुत भागते हैं. सो दैट्स वाई हमारे साथ ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो एनीवेज, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है द न्यू मून, द पॉजिटिव सुपर न्यू मून, जो कि आ रहा है 6-6 पोर्टल के ऊपर. और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, 6-6 पोर्टल की रीडिंग आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगी. और 6-6 पोर्टल की रीडिंग टाइमलेस नहीं होने वाली है फॉर श्योर. जून मंथ के अंदर क्या है ना, अब देखो 6-6 पोर्टल की एनर्जी को भी थोड़ा सा आप समझिए. 6 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस and the most important thing, लक्ष्मी जी की एनर्जी है ना, लक्ष्मी जी की एनर्जी है. तो भाई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डे होने वाला है न्यू मून का. पहले तो मैंने सोचा था आप लोगों के लिए आज रीडिंग करूँगी 6-6 पोर्टल की, बट मुझे अचानक से याद आया कि ओहो न्यू मून आ रहा है. सो दिस इज़ अ न्यू मून अपडेट. तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि न्यू मून आपके जीवन में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है, या फिर कौन से इसके इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेंगे और किस तरीके से ये काम करेगा. आज मैं आपको ना 2 से 3 तरीके ऐसे भी बताने वाली हूँ जिसको करके आप अपने जीवन में ना मिरेकुलस चेंज देख सकते हैं विद इन 24, 48 और 72 आवर्स, यानी कि 1 दिन में 2 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर. विश्वास नहीं हो रहा है ना, यही तो डिसबिलीव है, यही तो डिसबिलीव है. तो ये जो आप लोगों के सामने रखा हुआ है ना, इसका करामात है कुछ तो, ठीक है. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रेयर, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी और 2 रिचुअल्स आप लोगों को बताऊंगी. या मैं कहूं कि ये तो एक प्रकार का रिचुअल है जो आप करेंगे न्यू मून के दिन, और मैं आप लोगों को जो है 2 टोटके बताने वाली हूं जो कि बहुत ही फैब वर्क करते हैं. आप किसी भी न्यू मून के दिन कर सकते हैं, आप उसे 6-6 पोर्टल के दिन भी कर सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आसपास कभी भी तो, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रेमेडी है ना, इसका फुल वर्जन यानी कि इसमें मैं अभी आपको इतना बताऊंगी कि कैसे आप एक बार ही करके कर सकते हो, बट ये जो एग्जैक्ट रिचुअल है ना, इसको मैंने ऑलरेडी जो है शूट करके डाला हुआ है दूसरा वाला जो अपना चैनल है उसके ऊपर. तो आप वहाँ से जाकर के चेक इन कर सकते हैं. न्यू मून से पहले पहले कर रहे हैं तो भाई न्यू मून के दिन को वेस्ट मत करना, ये कर लेना इन एनी हाउ, ठीक है गाइस. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को. आज हम जानेंगे द न्यू मून इफेक्ट जो आपकी लाइफ के ऊपर पड़ने वाले हैं, एंड दे
विल बी सुपर कूल फॉर श्योर आप सभी लोगों के लिए। बस यहाँ पे ना दो पाइल्स हैं, इन दोनों में से किसी भी एक सिंबल को पिक कर लीजिए अपने लिए, ठीक है। आपको ये आई का सिंबल बहुत ज़्यादा कैची लग रहा है या फिर ये स्वास्तिक बहुत ज़्यादा कैची लग रहा है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको झटाक से पिक कर लीजिए और फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी जल्दी से अपनी रीडिंग्स को देख लीजिए और रेमेडीज़ को देख लीजिए जो आपको करनी है, मीन्स करनी है। अब मैं इतनी सारी रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, इतने सारे रिचुअल्स बताती हूँ भाई कि एक अलग से चैनल बनाऊँ ना तो उसके ऊपर डेली आप लोगों को जाने कितना कुछ देखने को मिले, बट आप करते ही नहीं हैं। जो लोग करते हैं वो मुझे भेजते हैं अपने रिजल्ट्स और इतने प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं, मैं अगर आप लोगों को डेली शेयर करूँ ना तो भी कम पड़े, बट टाइम के अभाव की वजह से कर नहीं पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब कम्युनिटी पे आप लोगों को शेयर करना शुरू करूँगी ताकि आप लोग जागरूक हों कि करें थोड़ा सा, तो कीजिए यार, किस चीज़ का इंतज़ार है आपको। फिर देखो बात यही हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से जब यार सुई से काम बन सकता तलवार क्यों निकालनी है, आप लोग फिर लास्ट मोमेंट पे जाके तलवार निकालने की कोशिशें करते हैं। तो मेरे प्यारे चांद के टुकड़ों, दिस न्यू मून हैविंग अ लॉट्स ऑफ ग्रेट एनर्जी, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करो, उसकी एनर्जी को कैच करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और इन दोनों सिंबल्स में से किसी एक सिंबल को पिक कर लीजिए। इसके बारे में बताऊंगी, इसका लॉन्ग वर्जन, करेक्ट एग्जैक्ट वर्जन देखने के लिए आप जो मैंने चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके उसे चेक इन कर सकते हैं एंड उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें विद योर लव्ड वंस ताकि वो भी इस रीडिंग को इंजॉय करें एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेमेडीज को कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई नो दिस रीडिंग विल गोइंग टू बी लाइक झक्कास, चलिए स्टार्ट करते हैं। Hi to all my beautiful pile number one people, the people who choose this eye. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपका ऐसा वाला सीधा है या ऐसा वाला सीधा है। You guys can take कोई सा वाला भी साइड और ये जो आँख है ना, ये आँख यहाँ पर अजना शक्ति यानी कि जो हमारी शक्ति होती है थर्ड आई की, उसको कहीं ना कहीं जनरेट कर रही है, उसको सिम्बलाइज कर रही है, ठीक है जी। ओके सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स और हम देखेंगे कि भाई आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ये न्यू मून आपके जीवन में कौन से इफेक्ट लेकर आएगा और क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दिन, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि आए फटाक से कुछ देखा कुछ समझ आया तो अच्छी बात, कुछ नहीं समझ आया तो निकल लेंगे, तो ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि आप अपना लॉस कर देंगे, क्योंकि ये दिन बहुत ही बड़ा है तो इस दिन को वेस्ट ना करें, इसका यूटिलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। और बहुत जल्दी इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग यू गाइज विल गेट दिस प्रेयर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये प्रेयर आपको कैसे करनी है, क्या परफॉर्म करना है वो भी बताऊंगी एंड इस प्रेयर का जो एग्जैक्ट वर्जन है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी जो आप न्यू मून पे कर सकते हैं और इस प्रेयर का एग्जैक्ट वर्जन जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी दूसरे चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके रीडिंग को सॉरी उस वीडियो को चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये टिक नहीं रहा भाई साहब, इसको यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। So let's see this new moon. This new moon will bring what changes exactly in your life. इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर, इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। प्रभाव बड़ा होगा क्योंकि 6-6 पोर्टल भी उसी दिन है। By the way 6-6 पोर्टल की जो रीडिंग है आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है कल ही, क्योंकि उसके भी कुछ रिचुअल्स हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करने हैं एंड एग्जैक्टली कुछ और इंपॉर्टेंट रिचुअल्स एंड टोटके हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करने हैं। एग्जैक्टली मैं बोलूँगी वर्ड टोटके क्योंकि होते ही टोटके हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी दूसरे वाले चैनल पे, उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। ओके तो आइए देखें, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ अच्छे से ताकि आप लोगों को मैं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर वन कि कोई ऐसी इच्छा है आप लोगों की, किसी प्रकार की कोई ऐसी विश है जो इस न्यू मून के दिन पूरी हो सकती है।
बहुत सारे ऐसे भाई बंद हैं जो कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। तो मैं बोलूँगी कि हर वीडियो के अंदर ना एक कमेंट पिन ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, आप जाके देख सकते हैं कि जो लोग डेडिकेशन के साथ चीज़ें परफॉर्म करते हैं उन लोगों के साथ कितना कुछ अच्छा होता है। अब आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है एंड मैनिफेस्ट करना बहुत बार बहुत टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ योर ओल्ड नेगेटिव डिसबिलीव्स। बॉटम ऑफ द डेक है द बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। क्या कार्ड आए हैं आइए देखें। तो यहाँ पर कार्ड है द ग्रेट बिग लव, द ग्रैंड सिम्फनी सॉरी, एंड कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 35 अ टॉल टेल। तीसरे नंबर का कार्ड जो कि है 35 नंबर अ टॉल टेल। ठीक है, अब अगर आप लोग इन कार्ड्स को थोड़ा सा देखें तो 26-27 तारीख आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है इस जून के महीने की, और या 8 तारीख, ठीक है, या आप ऐसे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 26-27 या 8 हो सकता है, ठीक है, 5 या 3 भी हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का जो डेस्टिनी नंबर का आपके पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का निचोड़ 27-35 या 26 हो सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर एरियस की एनर्जी दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, मेष राशि की या कुंभ राशि की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, या फिर अभी हो सकता है कि आप थोड़ी सी ऐसी ही एनर्जी के अंदर अभी चल रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ दिस न्यू मून on you my beautiful people, ace of swords, the six of wands, the six of swords and the nine of swords, 6-6 again 6-6 wow I'm so blessed seriously। मैं ये चीज़ हमें इसके बारे में भी आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगी। I'm so blessed, ये affirmation ना आप लोग अपने आप को दें। देखिए affirmation ना जीवन बदल देते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, और ये जो अफर्मेशन है ना ये आपके जीवन को तब्दील कर सकती है हर तरीके से अगर आप चाहें तो। व्हाट यू गाइस विल मैनिफेस्ट इन दीज डेज, 3 of Pentacles, द स्ट्रेंथ, द पावरफुल मैजिशियन एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। देखिए सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है यहाँ पे, है ना, और ग्रैंड सिम्फनी हमेशा एक चीज को बहुत भरपूरता के साथ बताती है, और वो भरपूरता क्या है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब कोई चीज अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को प्रचुर मात्रा में मिले तो वो इंसान अपने आप को क्या महसूस करेगा कि भाई मेरे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर तो भगवान कहीं ना कहीं मेहरबान है, ऐसा वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ये जो न्यू मून का समय है ना आपको प्रचुर मात्रा में बहुत ही अबेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मनी प्लांट है, ऐसा माना जाता है ना कि जो मनी प्लांट है अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है इसका मतलब उनके घर में बहुत सारा पैसा, धन दौलत और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है बट मैंने इसे बड़ा देखा है, और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस कार्ड के अंदर क्या काम है, सेलिब्रेशन। तो सम हाउ दिस न्यू मून इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ अबेंडेंस इन योर लाइफ, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू मनी, क्योंकि यहाँ पे मनी प्लांट है। ठीक है, और आप लोगों ने एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस की हो तो ये क्लाइंबर है, ये क्रीपर नहीं है। क्लाइंबर और क्रीपर दो प्रकार की ऐसे कह लो कि प्रजातियां होती हैं बेल की। क्लाइंबर इज लाइक उसको सहारा चाहिए, वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ेगी, और क्रीपर क्या होती है जैसे तरबूज की बेल, तो वो नीचे 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 बढ़ती है ना, ककोड़े आते हैं उनकी बेल हो गई, तरबूज आ गए उनकी बेल हो गई, है ना, तो वो ऐसे कद्दू आ गए, तो उनकी जो बेलें होती हैं वो ऐसे नीचे जमीन के ऊपर ही चलती हैं। तो ये क्लाइंबर है, क्लाइंबर यानी कि मनी प्लांट, जिसको जरूरत है किसी
स्टैंड की। तो अगेन मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कोई स्टैंड, आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान या आपके जीवन में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम जनरेट होने वाला है इन दिस न्यू मून, जो आपको ना माय ब्यूटीफुल पीपल समहाउ आगे बढ़ने में, तरक्की हासिल करने में मदद करेगा। दिस कुड बी एनी वन, कोई भी हो सकता है, मे बी कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको ना इन सब चीज़ों के अंदर समहाउ मदद करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपको ये बताने की पूरी कोशिश करेगा कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। सो ये जो न्यू मून है आप लोगों की लाइफ में, पाइल नंबर वन पीपल जिन्होंने भी अजना शक्ति यानी कि थर्ड आई को पिक किया है, जिस आई को पिक किया है, उन लोगों के जीवन में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम आने वाला है इस न्यू मून के दौरान, जो उनको आगे बढ़ने में और पैसा कमाने में या पैसा अर्जित करने में बहुत मदद करेगा, और इसकी वजह से उनके जीवन में सेलिब्रेशन आ सकता है। ये सेलिब्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, कि जैसे कुछ नया नया अचीव करने का सेलिब्रेशन, कुछ अच्छा पा लेने का अचीवमेंट, तो किसी भी तरीके का ये सेलिब्रेशन हो सकता है जो आपको ना 27 नंबर यानी 9 नंबर की ऊर्जा, अगेन मार्स एनर्जी, ठीक है, मंगल की ऊर्जा, तो मंगल ही मंगल होगा, समझ रहे हो आप, यानी एक तरीके से खुशियाँ, वेलनेस, शांति, सुकून, सबसे बड़ी चीज़ होती है सुकून, तो सुकून इज गोइंग टू बी हैपन। आप देख सकते हो कितना प्यारा कार्ड है, इसको देखते के साथ ही इतनी हैप्पीनेस फील होती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे अ टॉल टेल। अब क्या होता है ना कि जब इंसान कुछ हासिल कर लेता है तो उसके पास क्या रहता है, एक लंबी कहानी, एक लंबी कथा रह जाती है उसके पास में, और वो ये सोचता है कि देख मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी, फिर ऐसे हुआ था मेरे साथ, फिर मेरे साथ ऐसे हुआ था, एंड अ काइंड ऑफ अ टेल, अ काइंड ऑफ अ यू नो स्टोरी जो है जनरेट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। हम किसी को बताते भी हैं, लोग हमसे इंस्पायर भी होते हैं, ये कार्ड मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। अगर आप लोग इस कार्ड की एनर्जी को फील करें, अ टॉल टेल, सो दिस कार्ड इज एक्चुअली गिविंग अ स्ट्रांग मोटिवेशन, स्ट्रांग इंस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं लोगों को ना आपसे एक स्ट्रांग इंस्पिरेशन महसूस होगी कि यार इस इंसान ने कहाँ से शुरू किया और ये कहाँ आ गया। हो सकता है आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करें, हो सकता है आप किसी चीज़, किसी प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी परिस्थिति बिल्कुल पलट के रह जाए। क्यों? न्यू मून का इफेक्ट है, समाओ आपकी भी मेहनत है, ठीक है, समहाउ आपकी भी मेहनत है, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत करत करत प्रयास, वो वाली बात है। तो प्रयास आपके हैं यहाँ पर, आप लोगों की ही एनर्जी है जो आपको इतना बूस्ट कर रही है, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोगों को लगेगा कि यार मतलब देखो इस बंदे के साथ में अभी आज से 6 महीने पहले क्या कंडीशंस थी और अब देखो ये कितना मतलब आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अ ग्रेट बिग लव, पीपल विल लव यू फॉर श्योर, लोग आपको प्यार करने वाले। देखो एक कहावत होती है, माय ब्यूटीफुल पीपल, उगते सूरज को सब सलामी देते हैं, झुकते हुए को, डूबते हुए को तिनके का सहारा। सो एग्जैक्टली वो वाली बात है कि जब सनराइज हो रहा होता है ना, तभी हम जो है सन को देख के खुश होते हैं, हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, है ना, कुछ कुछ चीज़ें भोग लगाते हैं, तभी करते हैं ना, शाम को तो कहाँ, सूर्य देवता कब छिप छिपा के, कुछ अता पता ही नहीं है। तो वही वाली बात है, अब ग्रेट बिग लव का कार्ड, जब आप अपने जीवन में इतना सब कुछ हासिल करोगे तो होगा क्या, होगा ये कि पीपल विल फील कि यार कुछ तो बात है, और आपको ना सब लोग बहुत प्यार से, बहुत नाजों वाली एनर्जी में रखेंगे समहाउ, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइस विल गेट, या इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, न्यू मून का इफेक्ट आपके जीवन पे क्या पड़ रहा है। पहली बात तो यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और समहाउ बॉटम ऑफ द डेक आया था आई गेस एस ऑफ सोर्ड्स, ये रहा एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे 1-1 की भी एनर्जी है, यहाँ पे 6-6 की भी एनर्जी, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ सकें, दिस इज़ अ 1-1 एनर्जी, दिस इज 6-6 एनर्जी। और मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ ना, कि कोई चीज़ है जो आपके जीवन में ना 1-1 पोर्टल से चल रही है। 1-1 पोर्टल का मतलब हो गया 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसी गंभीरता है जो चल रही है, जो अभी तक अपने अंत पर नहीं आई है, समझ रहे हो। दिस कुड बी एनी मेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, कोई हेल्थ इशू है, या कोई स्पिरिचुअलिटी का इशू है, या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है।
आपको समझ में ही नहीं आ रहा हाउ टू डील विद दिस एनर्जी, कोई चीज है जो वन वन पोर्टल से चली आ रही है चली आ रही है चली आ रही है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बट ऑन द सिक्स सिक्स पोर्टल आप लोग देख सकते हो सिक्स ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अगेन सिक्स सिक्स। तो इस सिक्स सिक्स पोर्टल पर सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो चीज़ थी ना वो फाइनली अब खत्म हो रही है, चाहे फिर वो कोई दरिद्रता थी, चाहे वो फिर वो कोई नकारात्मकता थी, चाहे वो सेहत में किसी तरीके का कोई बिगड़ाव या कोई खिलवाड़ था, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो एक एक पोर्टल से आपके जीवन में चल रही थी, यानी कि 1 जून से वो फाइनली अबाउट टू एंड है। ठीक है, तो ये जो दिन है ना, ये जो ओवर थिंकिंग और परेशानियों के दिन है, फाइनली ओवर होने वाले हैं। एंड सिक्स ऑफ वॉन्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर विक्ट्री के साथ साथ स्टेबिलिटी भी दिखा रही है, ऑल दो कभी भी मुझे सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड स्टेबिलिटी नहीं दिखाता, क्योंकि ये तो बंदा अभी अभी जीत के आया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स कि कहीं ना कहीं माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल आर यू नो ग्रोइंग growing their perspective, growing their energies, आप अपने आप को grow कर रहे हैं और आप इस nine of swords की ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है या सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में ना कह रहा है ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लाइक रॉन्ग वाउज और रॉन्ग प्रेडिक्शंस अगर आपको कोई दे रहा है, ऐसे लोगों से आप अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप 111 की कोई भी प्रेडिक्शन देख लो, आपको ये चीज़ बताई जाती है कि आप किस एनर्जी में हैं, आपको फिर ये भी बताया जाता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, किस प्रकार से आप कौन से ब्लॉकेजेस कर रहे हैं, और इन ब्लॉकेजेस को हटा देते हैं तो आपके जीवन में क्या आ सकता है। ठीक है, और फिर रेमेडी और गाइडेंस, इस तरीके से एक फॉर्मेट के साथ मैं हमेशा आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कहाँ आप गलत हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, ताकि आप उस चीज़ को बदलें। देखिए, बदलेंगे नहीं, ओल्ड पैटर्न्स को अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो नया कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। ठीक है, तो समथिंग नेगेटिव वॉज गोइंग ऑन इन योर लाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ 1-1 पोर्टल, फ्रॉम द टाइम ऑफ 1-1 पोर्टल, एंड नाउ इट्स द हाई पीक टाइम फॉर दिस टू बी एंड, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्पेशली नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फालतू के भ्रांतियों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे आप। नाउ वट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑन दिस ब्यूटिफुल डे, थ्री ऑफ पंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, और ये कार्ड मुझे ऊर्जा दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की, एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद की। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद नज़र आती है कि मतलब कुछ ऐसा जिसके दम पर आप अपने घर वालों को प्रूफ कर सकें कि आप ऐसे ही नहीं हैं। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपने घर वालों को, अपने फैमिली को समहाउ बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं। ऊपर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टीम वर्क है। ठीक है, टीम वर्क है, कितना क्लियर कार्ड है कि ये तीनों मिलके इस ब्रांचा, इसको ब्रांचा बोलते हैं, बनाने लग रहे हैं तीनों के तीनों मिलकर के। ठीक है, ये कुछ पैटर्न पर्दे होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, है ना, जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल घर होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे लोग इस तरीके से ना डोरमेट बनाते हैं, जो आप वॉशरूम वगैरह के आगे डाल देते हो ना पैर पहुँचने के लिए, सो वो डोरमेट वगैरह भी बनाते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता प्लास्टिक वाला डोरमेट, सो दे कैन यूज़ कॉटन और वूलन वाला। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मेकिंग प्रोसेस, वो चीज़ दिखाई हुई है, तो यानी कुछ बनाना। तो हो सकता है आप पहली बात तो ये अपने घर वालों को ये शो करो कि आप बेफिजूल नहीं हो। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको ये बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि आपसे तो कुछ नहीं हो सकता, आप तो बेकार हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। सो फाइनली आप उन सबके मुँह के ऊपर ताला लगाने वाले हो, पत्थर मारने वाले हो लिटरली। ठीक है, अपनी सक्सेस का पत्थर, और अपनी फैमिली के साथ हो सकता है, या अपने कुछ गिने चुने अच्छे लोगों के साथ कुछ टीम वर्क करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, आइडियाज़ कुछ ऐसे आ सकते हैं। आप इसकी वजह से जो पास्ट में इम्बैलेंस ऊर्जा में रहते थे, फाइनली बैलेंस होने वाले, ढेर सारी वाली स्ट्रेंथ हासिल करोगे, एंड मैजिशियन का कार्ड है, सो यू आर मैनिफेस्टिंग गुड डेज, फाइनली गुड डेज आर कमिंग, लॉट्स ऑफ सक्सेस आई एम सीइंग हियर फॉर द पाइल नंबर वन पीपल। बहुत सारी सक्सेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए जो आपके जीवन में आ रही है, और इस सक्सेस की वजह से आप अपने आप को ना ऑन द सेवंथ स्काई महसूस करोगे, सातवें आसमान पर। ओके, नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू माई ब्यूटिफुल पीपल। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन योर लाइफ, ऑब्वियसली बात है एक पावरफुल चेंज आपके जीवन में आ रहा है, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक ब्रीद आउट, और अब ये समय है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा सोच लें, जीना शुरू कर दें, एंड व्हाटएवर द हार्ड वर्क यू आर डूइंग उसका पे ऑफ आपको मिलने वाला है फाइनली,
उसका पे ऑफ आपको मिलेगा। और बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है, दुनिया को दिखा दो आप क्या चीज हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज। नाउ लेट्स सी यहां से यूनिकॉर्न का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिकॉर्न स्पिरिट, यूनिकॉर्न स्पिरिट का मैसेज है प्योर इंटेंशन, फाइंड क्लैरिटी, सरेंडर योर ईगो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ईगो में, फॉल्स ईगो में फंसे रहते हैं, हम किसी से क्या पूछें, ये तो हमें गलत ही राय देंगे, ये तो ऐसा करेंगे, ये तो वैसा करेंगे। तो इस फॉल्स ईगो से थोड़ा सा आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, और बोला जा रहा है कि जो भी करो एकदम प्योर इंटेंशन से करो, और जो भी करो उसमें से थोड़ा सा भाग चैरिटी का ज़रूर रखना, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, आपको किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं सताएगा, आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर संभाव देख पाओगे। ठीक है, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल, लॉट्स ऑफ सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड मनी कमिंग इज कमिंग फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर वन पीपल। आप लोगों ने अजना शक्ति को पिक किया था, अजना शक्ति का मतलब ही होता है कि आप जो सोचोगे वो होगा। तो आप लोग इस वक्त ना ट्रांसफॉर्मर की तरह एक्ट कर रहे हो, तो जो सोच रहे हो वो हो रहा है, सही सटीक तरीके से करना, सब होता ही चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में न्यू मून के दिन कौन सा रिचुअल करना है और कौन से वो दो टोटके हैं चमत्कारी, वो देखना ज़रूर देखें, उसको भूले ना देखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतने खास दिन का आप कचरा कर दो, क्योंकि न्यू मून का दिन काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि उसी दिन 6-6 पोर्टल है। ठीक है, सो फाइंड द पॉजिटिव, स्टे आउट विद दिस डे, अच्छा मैनिफेस्ट करें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, खुद को अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भर के रख दें, अपने जीवन को बदल के रख दें, बस बहुत हो गया, ऐसी वाली एनर्जी में आ जाइए। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी जून प्रेडिक्शंस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूंगी, यहाँ पर कहीं आप लोगों को दिख जाएगा, सो आप जाकर उसको चेक इन कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे, लॉट्स ऑफ लव। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, कैसे हैं आप सब लोग, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। आप लोगों ने पिक किया है इस प्यारे से सिंबल स्वास्तिक को, और ये स्वास्तिक का सिंबल आप लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे वाले एडवांसमेंट लेकर आ सकता है। अभी आप लोगों को नहीं पता, आप इस रीडिंग को देखेंगे तब पता लगेगा। आप लोगों ने स्वास्तिक को पिक किया है, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड ही इज़ द होलसम फॉर ऑल द अबेंडेंट एनर्जी, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे प्यार हो, चाहे तरक्की हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी प्रचुर मात्रा में इस धरती पर मौजूद है, सारे डायमेंशंस में मौजूद है, उनका सारा का सारा अधिपत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश के पास है, और वही एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। एनीवेज, आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आपने स्वास्तिक को पिक किया है, पाइल नंबर टू है आप, और आज की रीडिंग का टॉपिक है द न्यू मून। न्यू मून आप लोगों के जीवन में कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, कौन से इफेक्ट इसके आपके जीवन में पड़ेंगे, आज हम इसकी बात करेंगे। और लास्ट में अपने लिए जो रेमेडी और टोटका मैंने आप लोगों को कुछ बताए हुए वो देखना ना भूलें। आप लोगों को इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग देखने को मिलेगा इस प्रेयर के बारे में, दैट हाउ यू कैन डू दिस प्रेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाउ दैट दिस प्रेयर इज गोइंग टू बी यू नो डू फैबुलस वर्क आपकी लाइफ के अंदर। और इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है जिसे आप न्यू मून ही नहीं और भी बहुत सारे दिनों में कर सकते हैं, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके उसको चेक इन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑन द अदर्स चैनल, ठीक है, आप उसको जाके चेक इन कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, एंड देखते हैं कि आप लोगों के जीवन में ना माय ब्यूटीफुल पीपल ये जो न्यू मून का दिन है कौन से इफेक्ट्स डालने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे द एनर्जी ऑफ दिस न्यू मून। बाय द वे, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके के टैटू बनवाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो। जब से मैंने ये वाला टैटू बनवाया ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस है टू नो इसका मीनिंग क्या है। सो इसका क्या मीनिंग है और इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी एक वीडियो के थ्रू, ठीक है।
सो आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे ऑन माय अदर चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आपको किस प्रकार के टैटूज बनवाने चाहिए, टैटूज किस तरीके से हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छी चीज़ें दे सकते हैं और किस तरीके से नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं टैटू के बारे में। इसलिए हे स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा। हे स्पिरिट्स गाइड कीजिएगा फॉर द फाइल नंबर 2। मैं कहने वाली थी कि बहुत फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक द कार्ड नंबर 44 डिवाइन मैट्रिक्स। ओके, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं, 444, ठीक है, 444 यहाँ पे भी 44, 45, 43, 42 एंड दिस 444 इज हैविंग अ स्ट्रांग एनर्जी। आप लोगों को पता होगा कि 444 की ऊर्जा क्या होती है। 444 की ऊर्जा होती है कि परमात्मा आपके साथ है, आपने डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। अब वही चीज मैं फील कर रही हूँ कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत बार नेगेटिव डिसीजंस लिए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम सेंसिंग दिस एनर्जी। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली बात है किसी से कुछ चीज रेजोनेट होगी, किसी से कुछ चीज रेजोनेट होगी, बट इफ दिस रीडिंग इज एक्चुअली रेजोनेटिंग विद यू देन आपने आपको लकी समझिएगा, बिकॉज एक्यूरेसी इज मस्ट। तो आपने अपने जीवन में ना बहुत बार ऐसी ऐसी गलतियां करी हैं जिसका खामियाजा आप एक बड़े लेवल पे चुका सकते थे, लेकिन समहाउ डिवाइन ने आपको बहुत बार चीजों से बचाया है। हे ईश्वर गाइड अस विद द क्लैरिटी एंड द स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इफेक्ट ऑफ दिस न्यू मून ऑन योर लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक 7 of Wands। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जागो मोहन प्यारे टाइप्स, कि अब जाग जाओ बस, अब बस बहुत हो गया है, अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे, ऐसा। व्हाट यू गाइस विल मैनिफेस्ट। यहां से हम चेक करेंगे आपके लिए यूनिकॉर्न के मैसेजेस और यहां से हम चेक करेंगे न्यू मून की गाइडेंस। दीज आर द मूनोलॉजी ओरेकल्स। ओके, आइए शुरू करते हैं। ओके जी, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कार्ड है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं जिनका अगर अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ का वो योग निकालते हैं, यानी कि पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का 31, 43 या 42 हो सकता है निकलता हो। देखो, कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी। एज यूजुअली दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है, पर्सनल पेड रीडिंग नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट योर पर्सनल पेड रीडिंग्स तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं माई मेल आईडी, ठीक है। एनीवेज, तो कार्ड नंबर 31, 43 एंड 42 ये नंबर्स आपके योग हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के, या फिर 4, 5, 6, 7 या 4 आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ या मूलांक हो सकता है, मूलांक भी हो सकता है 4, 6 या 7। और आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है वैदिक के हिसाब से केतु से प्रभावित है, यानी कि केतु और राहु दोनों से प्रभावित है क्योंकि 4 नंबर बहुत है यहाँ पे। या तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो प्रॉपर स्केड्यूल है डे टू डे लाइफ का वो बिगड़ा पड़ा है एंड आप उसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक साइकिल में एक लूप में संभाव बंध गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं स्वास्तिक के अंदर 4 भुजाएं हैं और यहाँ पे भी 4 नंबर है, ठीक है, 4 बिंदु है, तो 4 का प्रभाव बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड 4 स्टैंड्स फॉर राहु। अगर किसी का राहु बिगड़ जाता है ना तो वो उसके जीवन में किस प्रकार के चेंजेस लेकर आता है, तनाव होता है, पैसा नहीं टिकता है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है लाइफ के अंदर, क्लैरिटी नहीं होती है, हेल्थ के इश्यूज बहुत सारे आते हैं।
एंड मनी रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिविटी आती रहती है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो अपने राहु को ठीक कर लें। राहु को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, शनि की या तो शनि भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। एवरी सैटरडे आप शनि भगवान का कोई मंदिर हो, कोई स्थल हो, वहाँ पर आप तेल का दिया जलाओ या फिर तिल के तेल को आप जो है शनि भगवान को अर्पण कर सकते हो। एक बड़ी सारी शिला रखते हैं वो लोग ब्लैक कलर की, सो यू गाइस कैन डू दैट। या फिर आप जो है मंगलवार और शनिवार को पकड़ लो, बजरंग बली का बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती, ये पांच चीज़ें जो है आप करना स्टार्ट कर दीजिए एवरी ट्यूसडे और सैटरडे। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं ना वो बालाजी हर लेंगे, ये रियलिटी है। रिलेटेड टू जब भी ख़राब हो जाता है आपका क्या राहु होने को, तो राहु की और भी डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा है ना इस चीज़ के अंदर घुसाना नहीं चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, ये लिख दो। नहीं, आप ऐसा कुछ करो जिससे कि आपको प्रोटेक्शन भी मिले, आपको आपका राहु भी ठीक हो जाए और आपका एक स्केड्यूल भी प्रोसेस हो, ठीक है, आपकी एक दिनचर्या का वो भाग भी बन जाए। तो ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन दो चीज़ों को करके आप इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे फील हुआ कि बहुत सारे लोगों का राहु ख़राब है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई। अगर नहीं है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैंने आपका टाइम ले लिया। एनीवेज, तो इस न्यू मून की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि अगेन जागो मोहन प्यारे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक इंसान है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर है ना माला खाली है और उसमें माले में से निकल रहा है लोटस, ठीक है। अब ये जो लोटस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोटस नहीं है, ये कौन सा वाला चक्र है मुझे कमेंट में बताना। क्या बताओगे आप कमेंट में, छोड़ो, क्राउन चक्र है ये, ठीक है। तो सहस्त्रार्थ की जो ऊर्जा है, अच्छा ये बताना मुझे कि सहस्त्रार्थ के चक्र में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं, चलो ये बताना, अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर बताए। तो सहस्त्रार्थ के जो चक्र होता है उसके अंदर कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं ये बताना। और ये जो है यहाँ पे सहस्त्रार्थ निकल रहा है और इस सहस्त्रार्थ की जो ऊर्जा है वो somehow मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन में तब्दीलियाँ ले आए, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके जीवन में ऊर्जा ले आए। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है इस न्यू मून के दिन आप अपने एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, जितने भी गाइडर्स हैं आपके, एंजल्स हैं आपके, जितने भी परमात्मा की जो एनर्जी जिनमें आपका बिलीव है, चाहे फिर वो बालाजी हो, चाहे शिवजी हो, चाहे जीसस हो, चाहे बाबा जी हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा से और अपने जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करेंगे। इस दिन आप सुबह उठेंगे ना तब से आप बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील करने वाले हैं और आपके जीवन में जितने भी ऐसे चीज़ें हैं, जितने भी ऐसे रिश्ते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिन जहाँ पर आपको नज़र नहीं आता दैट वॉट इज़ द क्लियर पार्ट, वॉट इज़ द क्लैरिटी, वो समहाउ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फाइनली आपको उन सब चीज़ों से क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है, क्लियर विजन होगा समहाउ आप लोगों का, ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगनेस के साथ। कॉल ऑफ म्यूज का कार्ड है, आप देख सकते हैं ये कितनी खुश है। अब इतना खुश कोई बंदा कब हो सकता है, जब वो कुछ ऐसा पाले जो एक अरसे से कहीं ना कहीं वो अटका हुआ था, वो वहाँ से निकल जाए। तो आप अगर किसी चीज़ में अटके हुए हैं तो आप वहाँ से somehow निकल रहे हो। दूसरी चीज़, आप परमात्मा के बहुत ज़्यादा पास आने वाले हो, बहुत कनेक्टिविटी में आने वाले हो, और जो भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही थी ना जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा था हाउ टू डील विद दिस, फाइनली वो चीज़ें आपकी जो है सही हो जाएंगे। तो दिस इज़ द एनर्जी जो आपके न्यू मून पर रहने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से इफ़ेक्ट आ सकते हैं। पहली चीज़, एट ऑफ सोज एंड टेन ऑफ वॉन्स। अब क्या होता है ना कि जब आपको किसी रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी, बहुत ही साफ शब्दों में आए हैं कार्ड्स, जब आपको किसी रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी, फॉर एग्जांपल आप किसी को देव मान के बैठे हो और वो दानव निकल गया, तो कितना बुरा लगेगा आपको, आपको खुद से ही कहीं ना कहीं एक संकोच होगा, अपने खुद के डिसीजन पे ही आपको संकोच होगा कि मैंने कितना गलत किया। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं छुप के बैठी हुई है। आप अपने आप को somehow ना इस न्यू मून के दिन थोड़ा सा छुपा लेंगे लोगों की नज़रों से दूर, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कैसा है या आप किस घोड़े पे कितना दाव लगा रहे थे और वो घोड़ा कैसा निकला, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता लगेगी और आपको फील होगा फिर बर्डन, बहुत बर्डन, आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन यही शुरुआत होती है नए सवेरे की। आई एम सीइंग दिस न्यू मून इज़ मैनिफेस्टिंग जस्टिस इन योर लाइफ।
अभी आपको लगेगा कि ये किस प्रकार का जस्टिस है भाई, मेरे तो जीवन में ही मतलब लग गए। लेकिन जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि मेरे तो लाइफ को ख़राब कर दिया है, भगवान तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है, भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो वैसे हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि भगवान ने एक्चुअली में उस समय आपके जीवन में जस्टिस ही क्रिएट किया था। अगर उस वक्त भगवान ने आपको नहीं बचाया होता तो आज गर्ते में पड़े होते। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, थोड़े से सैड होंगे, बर्डन फील करेंगे, लेकिन जस्टिस महसूस होगा कि चलो ठीक है, परमात्मा ने देखा जो भी था मेरे को सही बता दिया एंड मैं अब बैलेंस हूँ, इमोशनली मुझे इम्बैलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग ऑन दिस बिग डे। बड़ा दिन है भैया, 6-6 पोर्टल की भी ऊर्जा है उसी दिन 6-6 पोर्टल है। एंड आप लोगों के लिए 6-6 पोर्टल की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कुछ तो स्पेशल करूँगी मैं उस रीडिंग के अंदर, अभी नहीं बताऊँगी आपको, बट हाँ देयर इज़ समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल। एक डिफरेंट मोडालिटी आप लोगों से शेयर करूँगी, उसका वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग, यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस फुल मून, इस न्यू मून की वजह से आप अपने जीवन में ना, आप जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, आप अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, किसी जॉब के अंदर अगर आप काम कर रहे थे, स्पेशली किसी क्रिएटिव साइड पर अगर आप काम कर रहे थे, वो फाइनली आपको पे बैक करना शुरू कर देगा। कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे थे लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था, फाइनली वो काम आपका बनने वाला है। नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके पास किसी प्रकार की कोई ऑफर या किसी प्रकार की कोई एनर्जी आने वाली है। ये एनर्जी आपको आपके जीवन के अंदर ना कुछ बड़ा देगी। आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, गॉड के हैंड्स हैं ये, ठीक है। तो परमात्मा के जो हाथ हैं वो आपको आपके जीवन में कुछ बहुत ही ब्लेस्ड और कुछ बहुत ही क्रिएटिव देगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर आपके जीवन में आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, सारे स्ट्रगल के ऊपर चौकड़ी मार के बैठ जाओगे कि भाड़ बजाय एस्तेसी कराए अपनी। एंड नाइट ऑफ कप्स, अ लवेबल डेट इज कमिंग। अगर आप सिंगल हैं टोटली, तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके जीवन में। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मेसी एनर्जीज देयर, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के विद द नाइट ऑफ कप्स, आई एम सीइंग आपके जीवन में एक लव की ऊर्जा भी शामिल होने वाली है। तो आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे थे उसके अंदर, एक अवसर, सारे स्ट्रगल्स का खात्मा और एक सच्चा प्यार, सच्चे प्यार की ऊर्जा। यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग। मैंने पहले बोला था जो ये न्यू मून है ना, ये न्यू मून कुछ बड़ा है। देखो यहाँ पे हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड है, कि अपने सपनों पर भरोसा रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। ये समय है कि आप नेगेटिविटी को रिलीज कर दें और अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट करें। और प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। ये इसी के लिए आ रहा है कार्ड बार बार, आपका जो हार्डवर्क है आपको पे ऑफ करने वाला है। नाउ लेट्स सी यूनिकॉर्न्स आपको एक क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ, डेयर टू बी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब हो गया दिल खोल के करना है, ठीक है, दिल खोल के करना है, दिल खोल के एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। एक्सेप्टेंस के मोड पर आइए। जैसे अगर कहीं गलती हुई है ना आपसे, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरी गलती है। कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ मेरी गलती नहीं है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वहाँ स्टैंड लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, क्योंकि अगर अदरवाइज आपका हार्ट चक्र अगर ओपन नहीं हुआ, आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। ग्रीन कलर पहना कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हुआ, तो समहाउ आप अपने जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी खुश नहीं रहोगे, स्टेबल नहीं रहोगे। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने भी स्वास्तिक को पिक किया था, अरे भाई अपने राहु के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। दूसरी चीज़, जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, उन चीज़ों को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतनी अपनी वैल्यू करना शुरू करें, अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करें। दिस न्यू मून इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ गुड चेंजेस इन योर लाइफ, एज यू कैन सी इन द कार्ड्स। सबसे बड़ा और पॉजिटिव पावरफुल चेंज मुझे लगा ये, कि यानी कि स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, परमात्मा के साथ और ज़्यादा समीप हो जाएंगे आप, ठीक है। एनीवेज, तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और न्यू मून के दिन करने के लिए क्या रेमेडी है वो जरूर देखना, उसको देखना ना भूलना, क्योंकि न्यू मून का दिन बहुत ही बड़ा दिन है इस बार, क्योंकि 6-6 पोर्टल के ऊपर है, उसको जाया ना जाने दें, वेस्ट ना करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फैमिली एंड लव्ड वंस एंड फ्रेंड्स फॉर श्योर, और आप कमेंट में जाके जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट ज़रूर दे सकते हैं, अपनी वैल्यूएबल सजेशंस और अपने वैल्यूएबल प्यार को ज़रूर मेरे ऊपर बरसा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम का सही लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, और अपने आप का ख्याल रखें, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। Hi to all my beautiful people. I hope आप लोगों ने अपनी readings को अच्छे से enjoy किया होगा, देखा होगा, आपसे reading resonate हुई होंगी। तो अब हम बात करते हैं भाई, एक ritual है और दो आप लोगों के लिए मैं टोटके लेकर आई हूँ, जो आप लोगों ने new moon के दिन ज़रूर करने हैं, क्योंकि new moon का दिन भाई माँ लक्ष्मी का भी दिन है इस बार, क्योंकि 6-6 पोर्टल का भी टाइम है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की, सबसे पहला टोटका, अगर आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी या फिर दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसे रुकने में परेशानी आ रही है, या कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो रिलेटेड टू मनी, तो आप एक काम करना शुरू करो, तुलसी की माला आती है एक, ठीक है, आप उसको खरीद के ले आओ, तुलसी की माला से ही करना है, बहुत ही सस्ती और बहुत ही सिंपल आती है, किसी भी पूजा स्टोर पे मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो आप तुलसी की एक माला लेकर आइए, और आपने गायत्री मंत्र जो होता है ना, गायत्री मंत्र, ओम भूर भुअस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया, तो इसकी जो आपने चैंटिंग है ना, गायत्री मंत्र की जो चैंटिंग है वो आपने करनी है 108 टाइम्स। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी गायत्री मंत्र को पढ़ने में, करने में, कोई भी प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ना मैंने लिख करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके करिएगा, ठीक है, उसको लिख लीजिएगा और उसको कीजिएगा। तो गायत्री मंत्र की 108 माला तुलसी की, 108 माला तुलसी की आपने एक ही जगह बैठ के करनी है, और फिर उसके बाद आपने आपके जो भी, जिन भी के अंदर आपका विश्वास है, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो, कोई भी हो, उनको आपने बोलना है, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इससे फॉर श्योर आपका काम बनेगा। अब बारी आती है दूसरे टोटके की, और ये दूसरा टोटका होने वाला है क्या, आपने एक काम करना है, देसी घी का दिया, सकोरे का ही दिया होना चाहिए, यानी मिट्टी का ही होना चाहिए, मिट्टी का दिया जिसके अंदर लंबी बाती हो, है ना, आपने लगानी है, और उसके अंदर आपने डालनी है 2 लौंग, ठीक है, 2 लौंग आपने डालनी है, और आपने ना माँ लक्ष्मी का एक मंत्र है जो मैंने अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी चैंटिंग करनी है 108 टाइम्स। ये दिया जब तक जलेगा तब तक आप वहीं बैठे रहेंगे, चाहे आपकी चैंटिंग खत्म हो या ना हो, ठीक है। आप आँख बंद करके माँ लक्ष्मी की कोई भी इमेज को विजुलाइज कर सकते हैं, इनसे वो इवोक हो जाएंगी, ठीक है, आपके घर के अंदर आप फील कर सकते हैं कि उनका एक ऑरा बिल्ट है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मिट्टी का सकोरे वाला दिया आपने लेना है, लंबी बाती बनानी है, देसी घी का दिया जलाना है, उसके अंदर 2 लौंग डालनी है आपने, 2 लौंग यानी 2 क्लोव्स आपने डालनी है, 108 टाइम्स जो मंत्र मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में उसकी चैंटिंग करनी है, और दिया जब तक कंप्लीट ना हो जाए, कम्प्लीटली जल ना जाए, उसका घी जो घृत है उसका पूरा ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपने वहीं बैठना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, वहीं बैठें। आप अपने आंखें बंद करके विजुलाइज कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की कोई भी इमेज को, और आप ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं कि गोल्डन वाइट कलर की लाइट है जो आपके पूरे घर में फैल गई है, ठीक है। इस दिन जो है आप कपूर भी बर्न कर सकते हैं अपने घर में, या फिर रोज़ की जो अगरबत्ती आती है ना, कौन सी वाली, रोज़ वाली, गुलाब वाली जो अगरबत्ती आती है, गुलाब की स्मेल वाली, उसे भी घर में जला सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेगा माँ लक्ष्मी की एनर्जी को और ज़्यादा इवोक करने के लिए, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए, ये 2 टोटके मैंने ऐसे बताए जो आपने न्यू मून के दिन ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि इस दिन 6-6 पोर्टल है इसलिए भी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, पहले तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इस प्रेयर का, ठीक है। Now this is the customized prayer, ठीक है, ये customized prayer है। आपने ठीक 11:11 पे रात को इस prayer को करना है, और 11:11 पे prayer करके आपने सो जाना है, तो यानी आपने पूरी कोशिश करनी है कि 11 बजे तक आप अपने सारे के सारे काम कर लो,
और ऐसा नहीं कि आप फिर करके और फिर दोबारा कुछ कर रहे हो या फोन चला रहे हो क्या, नहीं आपने सो जाना है बस। एक आपने है ना सोना है और आपने क्या करना है, क्या बोलना है, सबसे पहले आपने अपनी उस पर्टिकुलर एक विश को ना अपने दिमाग में रखना है कि आपकी वो क्या विश है। आपने बोलना है, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी सो आई मे क्लियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ दैट ब्लॉक मी फ्रॉम रिसीविंग। क्या रिसीविंग, यहाँ पे आपकी विश आएगी। फॉर एग्जाम्पल, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड मी सो आई मे क्लियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ दैट ब्लॉक मी फ्रॉम रिसीविंग माई न्यू कार, माई न्यू जॉब, माई रिलेशनशिप विद पर्सन, कुछ भी। प्लीज हेल्प मी टू रियलाइज दैट आई एम होल एंड परफेक्ट इन माई सेल्फ जस्ट एज आई एम एंड दैट आई नीड नॉट पुट प्रेशर और जजमेंट्स ऑन माई सेल्फ फॉर द थिंग्स दैट आई डू और डोंट डू। इस जो है इस प्रेयर को आप करना शुरू करें। आई होप आपको अच्छे से दिख रही है, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रेयर को आप कीजिए, देखिए आप कमाल। और इस ये तो काम आपने देखो न्यू मून के दिन करना है, आप हमेशा हर न्यू मून को भी कर सकते हो। 11:11 पे ये काम किया और आप सो गए, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसे हम कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी डिज़ायर बहुत ही कुछ दिनों के अंदर, तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक इन कर लेना और अपनी जो है इस रेमेडी को, इस प्रॉपर इसका जो किस तरीके से करना है कैसे करना है आप जान सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द न्यू मून। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सही इंस्टाग्राम की पहचान करके जाइएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ढेर सारा वाला प्यार, और ये रेमेडीज़ करना ना भूलना। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। Bye-bye.